दिवाली हो दोस्तों और घर में कोई बढ़िया सा स्नैक्स ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं भी आप सबके लिए स्नैक्स की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनेगी फटाफट से घर में सामान से। मार्केट जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घर में रखी हुई चीजों से बनाएंगी ये खस्ता क्रिस्पी करारे स्नैक्स जिसको आप महीनों भर तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं अपना ये आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक गहरा बर्तन और गहरे बर्तन में मैं ले रही हूँ 1 कप भर के मैदा। एक और बात बता दूं कि यहाँ पर मैदे की जगह पर आप गेहूं के आटे को थोड़ा सा छान कर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ली है सूजी जो कि 1/4 कप है। तो अगर हम 1 कप मैदा ले रहे हैं तो 1/4 कप सूजी लेंगे। सूजी को दोस्तों मैंने यहाँ पर पीसा नहीं है, आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। सूजी के साथ ही साथ हम यहाँ पर डालेंगे बेसन। जी हाँ, इस रेसिपी में बेसन का भी यूज होगा और बेसन मैं ले रही हूँ वही 1/4 कप। तो सूजी और बेसन एक बराबर लेना है, मैदा हमें 1 कप लेना है। साथ ही हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और नमक। आप शुरू में कम डालें क्योंकि नमक जब हम आटा गूंद लेते हैं तो ज्यादा हो जाता है। साथ ही गई है इसमें लाल मिर्च का पाउडर बहुत थोड़ी सी, यानी कि लगभग 1/4 टीस्पून, और हल्दी का पाउडर है 1/5 टीस्पून, और ये है गरम मसाले का पाउडर जो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। अजवाइन है जिसको हम हाथों से क्रश करके डालेंगे, ये भी लगभग 1/2 टीस्पून है। अजवाइन आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। इसके अलावा इस रेसिपी में जाएगी कसूरी मेथी। जी हाँ, कसूरी मेथी हम डालेंगे लेकिन हाथों से अच्छे से क्रश करके। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी ली है। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है या आपको हरी धनिया का फ्लेवर पसंद है तो आप फ्रेश हरी धनिया को काट कर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, उससे भी इस स्टिक में फ्लेवर अच्छा आएगा। साथ ही जा रहा है चाट मसाला जो कि है 1/2 टीस्पून। अब यहाँ पर हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी चीज में किसी तरह की कोई डली ना हो, सबको आराम से मिला लें। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल का मोयन डालेंगे इसमें। यहाँ पर मैंने 1/3 कप रिफाइंड तेल लिया है, पर हम सारा का सारा तेल एक साथ नहीं ऐड करेंगे। पहले हम इस मिक्सचर को मिलाएंगे और जितनी तेल की हमें जरूरत होगी हम उतना ही लेंगे। ध्यान रखेंगे कि बहुत ज्यादा मोयन या बहुत कम भी मोयन नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको हाथों से मिलाकर चेक करूंगी। जब ये हमारा मिक्सचर ब्रेड क्रम्स की तरह हो जाएगा तब हम तेल डालना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है। तो 1/3 कप मैंने पूरा नहीं लिया है। मोइन कुछ इस तरीके का होना चाहिए, लड्डू आसानी से बन जाने चाहिए। और 1/3 कप में लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल हमारा बच गया है। तो कुल 1/3 कप आप डाल सकते हैं या थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसके बाद से हम पानी डालेंगे लेकिन पानी भी बहुत सोच समझ कर धीरे धीरे ऐड करना है जिससे कि हमारा मिक्सचर गीला ना होने पाए। इसके बाद सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के सफेद तिल। व्हाइट तिल जो होता है, व्हाइट सेस में सीड्स, वो आप डाल सकते हैं। उससे इस स्टिक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो तिल को डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए। और अब यहाँ पर हम डालेंगे पानी। पानी में 1 कप ले रही हूँ पर हम 1 कप पूरा नहीं यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके यूज करूंगी। कितना पानी लगता है वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो थोड़ा सा पानी मैंने एक बार ऐड किया है और पानी डालकर पहले आप मिक्सचर को अच्छे से मिला लीजिए। हमें यहाँ पर इसका हार्ड डो रेडी करना है क्योंकि हमने सूजी डाली है तो वो थोड़ा सा पानी पिएगा और मिक्सचर जो है बाद में थोड़ा सा और हार्ड होगा तो उसको हम बाद में स्मूथ करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। मैं आपको पानी दिखाती हूँ, हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है। काफी हार्ड डो मैंने तैयार किया है। तो 1/4 कप के लगभग मैंने यहाँ पर पानी डाला है और इतने में हमारा आटा गूंथकर रेडी हो चुका है। डो एकदम हार्ड लगाया है। अब इस डो को हम 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारा डो कितना हार्ड हुआ है। तो चलिए प्लेट को हटाते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट के बाद आटे को एक बार चेक करते हैं। आटा और भी ज्यादा थोड़ा सा हार्ड हो चुका है क्योंकि जो सूजी पड़ती है दोस्तों वो और भी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। तो हम इसको क्या करेंगे, हाथों से अच्छे से मसल मसल कर सॉफ्ट करेंगे। सूजी डालने के बाद आटे को मसलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आटे को मसल मसल कर चिकना कर लें। आटा मसल कर चिकना हो चुका है। मैं क्या करूंगी, इसके 2 बड़े बड़े बॉल्स रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पर आटा इतना है, इसके मैं 2 बॉल्स रेडी कर ले रही हूँ। और आप जो है अपने हिसाब से कम ज्यादा बनाइएगा। मैंने यहाँ पर आपको 1 कप से रेशियो बता दिया है। यहाँ पर 2 बॉल्स रेडी कर लेते हैं और फिर इसको देख लेते हैं कि इसको बेलना कैसे है और कट कैसे करना है। मैंने यहाँ पर स्लैब पर ही स्लैब को साफ कर लिया है और लोई को मैं स्लैब पर ही चिकना कर रही हूँ। इसके बाद से हम यहाँ पर कोई सूखा आटा, कोई तेल या घी का नहीं लगाएंगे। सिंपल इसको रोलिंग पिन से रोल करेंगे। और जो इस नमकीन की कंसिस्टेंसी है दोस्तों इस स्नैक की, वो आप अपने तरीके से थिकनेस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल इसे जो
हल्की सी मोटी पूड़ी होती है वैसी मैंने बेल दी है। अब इसके बाद से मेरे पास है ये कटिंग वाले, पुराने वाले टाइम में जो गुजिया के सांचे बनते थे, गुजिया बनती थी उसका ये है मेरे पास, तो मैंने सोचा इसी से कट करते हैं। आप सिंपल नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हल्की सी कर्विंग कटिंग आती है तो देखने में अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, चारों एजेस को कट कर लूंगी और इसको एक स्क्वायर का शेप दे दूंगी। इसके बाद से कुछ इस तरीके से मैंने बीच से कट कर लिया है, और उसके बाद से पतले पतले स्टिक्स में हम इसको काट लेंगे। तो आपके पास जो भी नाइफ हो आप उससे कट कर सकते हैं, सिंपल नाइफ से भी आप कट कर सकते हैं। उसके बाद से इन स्टिक्स में हम फोक से प्रिक करेंगे, जिससे कि ये फूलेंगे नहीं तेल में, तो और भी ज्यादा टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं। तो इस तरह से फोक से इनको प्रिक कर लीजिए, और उसके बाद से उठाकर इनको प्लेट्स में डालकर आप इस तरह के और स्टिक्स रेडी कर सकते हैं। तो चलिए मैं और रेडी करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर प्लेट में मैंने एक प्लेट भर के स्टिक्स रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इनको करेंगे तलने की तैयारी। इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर इसकी थिकनेस आपको दिख रही है। और तेल हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम हॉट गर्म करेंगे, फ्लेम को एकदम सिम करेंगे, और मीडियम हॉट के बाद फ्लेम को सिम करने के बाद आप स्टिक्स को यहाँ पर ऐड कर दें। यहाँ पर मैं एक बार में पूरी फुल प्लेट स्टिक्स ऐड कर रही हूँ, ऑयल मैंने ज्यादा लिया है कढ़ाई में, और तेल जब मीडियम हॉट भी होता है तो भी आपको पता ही है दोस्तों, इसको डालने के बाद जो हम पहले डाले होते हैं हमने, वो थोड़े थोड़े रेड होने शुरू भी हो जाते हैं। और ये पूरा पूरा प्रोसेस यानी कि पूरी फ्राइंग आपको करनी है सिम फ्लेम पर। सिम फ्लेम पर करने से ये स्टिक जो है अंदर तक सिक जाएंगे और उतने ही क्रिस्पी बनेंगे, जितना ही हम इसको सिम फ्लेम पर सेकते हैं उतने ही बढ़िया ये क्रिस्पी होते हैं। पर अभी आपको शुरू में फ्लेम को सिम रखना है। देखिए तेल इतना गर्म था कि जो हमने स्टिक शुरू में डाले थे वो हल्के हल्के रेड होने शुरू भी हो चुके हैं। यहाँ पर इसको फ्राई होते 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट सिम फ्लेम पर ये हल्के से गोल्डन होने शुरू हो गए हैं, और साथ ही थोड़े से क्रिस्पी से भी दिख रहे हैं। पर अभी हम इन्हें और ज्यादा फ्राई करेंगे। तो इन स्टिक्स को फ्राई होने में कुल आप 4 से 5 मिनट का टाइम ले सकते हैं। 4 से 5 मिनट में सिम फ्लेम पर हमारे स्टिक्स जो है काफी अच्छे से फ्राई होकर सुनहरे हो जाते हैं। हम यहाँ इनको थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन सुनहरा करेंगे। देखिए धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है हमारे स्टिक्स के, और हमारे स्टिक्स देखने में ही कितने ज्यादा क्रिस्पी दिख रहे हैं आपको। और ये स्टिक्स दोस्तों बनाकर आप एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके महीने 2 महीने रखकर खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि हमने मोइन काफी अच्छा डाला है, तो जिनको दांतों में प्रॉब्लम है या फिर वो भी आसानी से खा सकते हैं। बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं, मतलब कड़क नहीं होते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे फ्राई होकर बहुत ही अच्छे से स्टिक्स ये गोल्डन रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको काफी ज्यादा गोल्डन किया है और ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद इसको किसी बड़े छन्ने में ले लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाएगा, और इसके बाद से हम उसी ऑयल में अपने बाकी के स्टिक्स जो है तल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए, जिससे इसका ऑयल निकल जाए, और स्टिक्स देखिए कितने बढ़िया कितने टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। इनको हम साइड रखेंगे और इसी ऑयल में दूसरे स्टिक्स तल कर तैयार कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने प्लेट में स्टिक्स को ले लिया है, स्टिक्स हमारे ठंडे हो चुके हैं। मैं आपको एक स्टिक तोड़कर भी दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने ज्यादा खस्ता कितने क्रिस्पी करारे बने हैं दोस्तों, हाथों में ही इनका पूरा चूरा बन जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बढ़िया इसकी मोइन हुई है और कितनी बढ़िया ये क्रिस्पी करारे बने हैं। तो इस तरह से स्टिक को बनाइए, मेहमानों को खिलाइए, स्टोर करके महीने भर तक आप खाइए, चाय के साथ टी टाइम स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ दोस्तों अपने नए वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।